हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर किसी भी मटेरियल मतलब कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है या उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों हो जाती है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक चीज जो आप ट्वेल्थ में डिस्कस करते हैं या फिर समझते हैं वो इतनी सी है कि जब आप कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आप लिखते हैं NE²2/m, या फिर रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो कुछ ऐसा है M/NE²2। एंड वी से दैट कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, यही है, यही बोलते हो आप, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, ये ट्वेल्थ पर्पज से बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने कभी इमेजिन किया है कि वाई दिस रिलैक्सेशन टाइम गेट डिक्रीजेस, ये क्यों डिक्रीज हो जाता है, ये क्यों कम होता है, कभी इसको सोचा है? ये सोचने की जरूरत है बच्चों, अगर फिजिक्स को समझना है तो इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा कि वाई दिस गेट डिक्रीजेस, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है वो समझिए। जब भी हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर के अंदर हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करता रहता है, और वो मोशन होता है रैंडम मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम मोशन होता है, यादृच्छिक होता है, वो कहीं पर भी जा सकता है, ठीक। अब अगर हम उस मोशन की बात करें तो लेट सपोज कीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो उस रैंडम मोशन करता हुआ किसी समय ऐसा जा रहा है, यू मूव कर रहा है, और ये इसका फ्री पाथ है, ये उसका क्या है, फ्री पाथ है। यहां पे पहली बार कॉलिजन किया होगा, कॉलिजन करने के बाद में इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव किया और अब कॉलिजन यहां करने वाला है, ठीक है। और लेट सपोज कीजिए यहां से लेकर यहां तक जाने में, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने टाइम लिया कितना, 1 सेकेंड, कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि एक सक्सेसिव कॉलिजन, ये एक मान लेते हैं, एक कॉलिजन या दो मान लो, दो कॉलिजन के अंदर उसे टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, एक सिनेरियो लेते हैं अपन, ठीक। इस सिनेरियो में ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये जो पॉजिटिव आयन है कंडक्टर्स के, ये पॉजिटिव आयन अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं बच्चों, ऑसिलेट होते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन फिक्स नहीं है, डॉट फिक्स नहीं है, हम मानते हैं ये फिक्स है लेकिन ये डॉट फिक्स नहीं है, दे आर वाइब्रेटिंग अराउंड देयर पोजिशन, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, वाइब्रेट ऐसा यूं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आप अपने दिमाग में एक साउंड ला सकते हैं, बिज ऐसा साउंड आता है, इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाती है, हाई वोल्टेज पे जाती है, तो आपको एक साउंड आता है वायर से, तब हमारे दिमाग में ऐसा लगता है करंट ऐसा फ्लो हो रही है, है ना, वाइब्रेट करती हुई फ्लो हो रही है, ठीक। तो वो अपने दिमाग में रखो, तो अगर वो दिमाग में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पॉजिटिव आयन है ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पर, बस इस वाइब्रेशन का अमाउंट कम है, है ना। ये अगर आप ऐसा वाइब्रेशन रखे तो ये जो पॉजिटिव जो आयन है वो ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा आगे नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूं कि इसका वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम है, मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ऐसा हो रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इफेक्ट इनके ऊपर भी पड़ता है, इफेक्ट इनके ऊपर भी पड़ता है, क्या हुआ भी, इफेक्ट ये पड़ा कि इनका जो वाइब्रेशन इतना कम था, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गेट इंक्रीज्ड, बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो अब जो छोटी सी जगह पे वाइब्रेट कर रहा था, अब ये पॉजिटिव आयन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा वाइब्रेट कर रहा है लगातार लगातार। अब समझो, अब इसी सिनेरियो को वापस से लो, ये नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे था, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को हमने लेट सपोज कीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, इंक्रीज किया तो इसका वाइब्रेशन ज्यादा हुआ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसा जा रहा था उसी सिनेरियो में आप देखो कि ये शायद पॉजिटिव आयन भी ऊपर की ओर गया, ये पॉजिटिव आयन भी ऊपर की ओर गया और किसको टच किया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में वो कॉलिजन कर गया, टक्कर कर गया, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर खाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन गया ऊपर, ठीक है, जल्दी से यहां चला गया,
तो एक कॉलिजन यहां हुआ और एक कॉलिजन यहां हुआ, और लेट सपोज कीजिए, सपोज क्या करना है, ये भी तो वाइब्रेट कर रहा होगा, तो एक और सिनेरियो हमने दिमाग में रखा कि अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो शायद इसका वाइब्रेशन ऐसा था कि ये जो पॉजिटिव आयन यहां दिखाई दे रहा है उस समय शायद इस तरफ नीचे की तरफ भी तो आ सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, तो ये पॉजिटिव आयन नीचे की ओर डिस्प्लेस हुआ तो ये यहां पर ही कॉलिजन हो गया, जो कॉलिजन यहां होना था वो कॉलिजन यहां हो गया, तो ये यहां पे कॉलिजन हो, फिर ये यहां पर गया और इससे कॉलिजन कर गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, ये तो डिस्टेंस मैंने बहुत ज्यादा बनाई है ताकि आपको पता चल सके, तो ये समझिए कि ये पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ मूव किया तो उसने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या किया, टक्कर मार दी, टक्कर दी तो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर गया, ऊपर की ओर गया, ऊपर भी तो एक आयन था, वो आयन शायद उसी समय नीचे की ओर आ रहा हो, तो उसने इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या किया, कोलाइड किया और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को और चेंज कर दिया। बात समझ रहे हो मेरी बात, समझे? तो एक सेकंड में जहां एक कॉलिजन होना चाहिए था उसी एक सेकंड में यहां पर 1, 2 और 3 कॉलिजन हो जाते हैं, 3 कॉलिजन इनटू 1 सेकंड, ठीक है, 3 या ज्यादा हो सकता है, ये एक सिनेरियो हुआ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इज इंक्रीज्ड, 1 सेकंड में 2 कॉलिजन, 1 सेकंड में 3 कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन हैज बीन इंक्रीज्ड। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एवरेज फ्री पाथ था ना इलेक्ट्रॉन का, ये फ्री पाथ ही तो है, ये फ्री पाथ भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो जो आप टाइम बोलते हो कॉलिजन का, वो क्या होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय वी, इसी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये जो फ्री पाथ है वो डिक्रीज हो गया है, इसलिए कॉलिजन में जो टाइम लग रहा था वो भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को, फ्री पाथ भी डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ कॉलिजन भी इंक्रीज हुए, ये सारे के सारे सिनेरियो एक साथ काम करते हैं। तो हमें क्या क्या पता चला, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो एक चीज हमारे दिमाग में आई कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयन इज इंक्रीज्ड। क्या हुआ, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयन्स इज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हो गई, और अगर ये इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो गए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, हाँ कॉलिजन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हुई, इसका एक हम सिनेरियो क्या ले सकते थे, फ्री पाथ डिक्रीज्ड, और ये सारी चीजें मिलकर के जिस चीज को इंडिकेट कर रही हैं वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ, तो फ्री पाथ डिक्रीज हुआ, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, ठीक है। इन सभी का मतलब एक साथ क्या हुआ, टाइम डिक्रीज हुआ। मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि पहले 1 सेकंड में 2 ही कॉलिजन हो रहे थे, अब 1 सेकंड में 3 या इससे ज्यादा कॉलिजन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसी टाइम में नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ गए। तो आप कह सकते हैं कि एक कॉलिजन में कितना टाइम लगा, पहले लग रहा था 1/2 सेकंड लग रहा था, और अब कॉलिजन में कितना लग रहा है, तुमने बोला अब एक कॉलिजन के अंदर हो रहा है 1/3 सेकंड्स, ठीक है। टाइम गेट डिक्रीज्ड, कॉलिजन में लगने वाला टाइम डिक्रीज हुआ। हाँ, अब आप यहां पर आ जाइए, अब ये बिल्कुल ठीक है, अब आप इस सिनेरियो के ऊपर आए कि ये डिक्रीज हुआ तो फिर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई, ये बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आई, इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा सिनेरियो काम करता है बच्चों। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। क्यों, क्योंकि आपने इन दोनों को तो चेंज किया ही नहीं है, इन दोनों को चेंज नहीं किया तो फिर रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, दिमाग में आया।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई और टॉपिक दिक्कत दे रहा हो या फिर आपको सिनेरियो समझने में दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।